हेलो गाइस, राधे राधे। और ये मैंने बाजरे का आटा ले लिया है। और इसमें ये मैंने मेथी बारीक काट के मेथी मैश कर दी है। और ये आलू की पिट्ठी है, ये भी इसी में डाल दी है। अब इसमें ये लाल मिर्च पाउडर, ये नमक, ये धनिया पाउडर और ये बहुत जरा सी हींग, इन सबको आटे में अच्छे से मैश करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लें। इसे अच्छे से लोच दे के गूंथ लें, जिससे सॉफ्ट सा हो जाएगा ये आटा। इसको अच्छे से गूंद के रख दिया है। बस इसमें से ये मैंने एक इतना आटा ले लिया है। बस अब इससे एक रोटी बनाते हैं। तो धीरे धीरे हाथ से ऐसे करते जाएं। बस ये रोटी हमारी बनके तैयार है। ये मैंने रोटी तवे पे डाल दी है, एक तरफ से सिक जाए तो इसे चक्कू की सहायता से पलट दें। ये नीचे से सिक गई है, इसे पलटना। बस इसे ऐसे अच्छे से धीरे धीरे सेक लें। जो दोनों तरफ से हमने सेक लिए, अगर हाथ से ना बने तो इसे बेल कर भी बना लें। और ये हमारा बेलन से मैंने बेल लिया है। और अब इसको पराठा बनाते हैं। इसमें तेल लगाकर खस्ता सा पराठा बना लें। बाजरे की रोटी और बाजरे का पराठा दोनों तैयार है। आज का खाना कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं।